हाँ जी, परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास को आप लोगों ने ढेर सारा स्नेह और प्यार दिखाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया टीम परिष्कार के द्वारा। और अब अपन एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं, जो बहुत ही कल्चर का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ही टॉपिक है। सेकेंड ग्रेड और रीट के अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी एलडीसी का हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ था ना, उसी के अंदर क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड है, वो अपन डिस्कस करते हैं। बस 10 मिनट का ये वीडियो बनेगा, मात्र 10 मिनट का। तो शुरुआत करते हैं एक शायरी के साथ, वो आपके लिए, कि माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। ठीक है, इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा था, बेणेश्वर धाम कहाँ लगता है? डूंगरपुर के अंदर लगता है, माफी चाहता हूँ, डूंगरपुर के अंदर लगता है। नवा टापरा कहाँ पर? नवा टापरा कौन सी तहसील है? आसपुरा तहसील है। डूंगरपुर के अंदर माघ पूर्णिमा को यह मेला भरता है। संत माओ जी ने इसकी स्थापना की थी 1727 के अंदर, और महारावल आसकरण ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। 5 फुट की ये शिवलिंग है, और 5 फुट की शिवलिंग है, और इसका जो इसके ऊपर जो लेप होता है ना, वो सुबह तो होता है केसर से, और शाम को होता है बबूत से, है वो लेप होता है, आप याद जरूर रख लेना। अब ये मैं देखो इसकी डिटेल वो पूरी की पूरी बता दूंगा, बता ही दी मैंने भी कौन सा त्रिवेणी संगम पे होता है। सोम माही जखम, जिसे आप मासोजा के तरीके से याद भी रख सकते हो। आदिवासियों का कुंभ, बागड़ का कुंभ और बागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। हलो, हो गया कम्प्लीट, इतना ही लिखा है मैंने पीछे जो अभी आपके सामने बोला है। इसकी एक रोचक कहानी है, वो कहानी आपके सामने मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उस कहानी के थ्रू है याद हो जाएगा। कहानी ये है कि संत माओ जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1727 के अंदर। उससे पहले है ना, जो शिवलिंग है ना, ये 5 जगह से क्या है? खंडित है। आप बोलोगे सर ये क्या है? जी हाँ, ये सही सुना आपने, 5 जगह से ये शिवलिंग खंडित है। होता ये है कि अपने घरों में कोई शिवलिंग हो या कोई भी फोटो हो, वो बदल जाती है, टूट जाती है, तो उसको अपन है पेड़ की जड़ों में या पीपल की जड़ों में रखकर आ जाते हैं बेशक। तो विश्व की या अपने भारत की एकमात्र ऐसी शिवलिंग है जो खंडित होती है, जिसे पूजा जाता है। अब उस ये खंडित कैसे हुई, उसके पीछे एक रोचक कहानी है, उसकी वजह से ये पूजा जाता है। रोचक कहानी ये है कि एक बार एक किसान था, उसके पास क्या थी? गाय थी, सबके पास होती है, ठीक वैसे ही उसी के पास भी थी। तो वो क्या करता, जमींदारी करता, मजदूरी करता, तो वहाँ वो चला जाता, और लेकिन उससे पहले वो गाय का दूध निकालता और खाना पीना करके गाय को क्या कर दे, चरने के लिए बाहर खोल देता। अब क्या होता है कि अपन गांव में रहते हैं ना, गांव वाले सबको पता है कि जब जैसे गाय का रूटीन बहुत अच्छा होता है, जो पालतू पशु होते हैं उनका रूटीन बहुत अच्छा होता है। आप दूध निकाल कर उसको चरने के लिए बाहर छोड़ दोगे, खोल दोगे ना, तो वो क्या करेगी, जैसे शाम का दूध का निकालने का टाइम होगा ना, तो वो उस वक्त आ जाएगी चलकर। ये कभी भी देख लेना, शहर के लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको थोड़ा ये अलग लगेगा कि ऐसे थोड़ी ना हो सकती, घास थोड़ी आ सकती है, एक्चुअल में आ सकती है, गाँव में तो अभी भी होता है। तो ठीक वैसे ही वह इसने एक दिन दूध निकाला और वापस वो घर आई शाम को, तो वापस दूध निकाल लिया, कोई नई बड़ी बात नहीं। नई बड़ी बात तब हुई कि दूसरे दिन उसने खोल के छोड़ दिया, शाम को जब दूध निकाला तो उस टाइम उसके क्या है, दूध आया नहीं, इसके थन से कोई दूध नहीं आया। अब वो हैरान हो गया कि ऐसा क्या है, कौन से काला जादू किसी ने कर दिया क्या, टूना टोटका वगैरह कर दिया क्या, कभी दूध क्यों नहीं आया, चिंता तो वही जो किसान का वही तो है। तो उसने एक दिन ऐसे ही निगलेक्ट करके छोड़ दिया, दूसरे दिन वापस सुबह का दूध निकाला, खाना पिया किया, खुद अपने काम पर गाय को बाहर छोड़ दिया चरने के लिए, शाम को वापस दूध निकाला तो दूध आया नहीं थन के अंदर। वो हैरान हो गया, अभी एक किसान के लिए गाय सब कुछ होती है, वो दूध निकालता है उससे ही दही बनता है, घी बनता है, तो अब भी उसके टेंशन हो गई कि भाई ये एक गाय इसका अगर ऐसे ही रोज चलता चलता रहा तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा।
तो उसने ये कहा, उसने ये सोचा कि चलो कल मैं मेरे काम से बंक मारता हूँ और इस गाय का पीछा करता हूँ। होते अभी अक्सर आपने होता है कोई गाय को अपने रोक लेता है या गाय को कुछ निशानी मिलती है तो अपन भी पीछा करते हैं कि भाई इस गाय का देखते हैं क्या दिक्कत है। ठीक वैसे ही उसने गया तो शाम को उसने देखा तो गाय चरचरा कर एकदम पेट भर गया। तब जैसे ही उसने खड़ी हुई तो वो एक जगह जाकर खड़ी हो गई और हैरानी के बाद वो अचंभित हो गया कि जैसे वो खड़ी हुई उसके थन से हैं वो दूध निकलना स्टार्ट हो गया। अब वो हक्का बक्का रह गया कि यार ये क्या है, ये कैसे हो गया, ये मतलब गाय खड़ी है और थन से दूध निकल रहा है, ये कैसे हो गया। वो बोला मैं जाकर देखूंगा। तो उसने जाकर देखा तो जैसे ही स्टार्ट चलाना तो जब गाय है वो अपने मालिक धनी को देख लेती है ना, धनी बोलते हैं अपनी मारवाड़ी भाषा में, भी मालिक को देखी ना तो वो वहाँ से क्या हुई भागी, भागी ना तब उसके खुर से हैं वो शिवलिंग टूट गई। अब वो जहाँ दूध निकल रहा था ना वहाँ जमीन के अंदर 5 फुट अंदर गड़ी हुई थी लेकिन थोड़ी सी बाहर थी तो दूध है वो शिवलिंग के ऊपर हो रहा था, मतलब दुग्ध अभिषेक है वो शिवलिंग को करा रही थी, कौन गा करवा रही थी। तब वो उसने देखा कि भी ये देखो इसके अंदर ऊपर है वो दूध निकलता है और वो गाय जब भागी तो उससे है वो खुर से 5 जगह से है वो शिवलिंग टूट गई। तो ये गाय से के खुर से है यानी पैर से वो 5 जगह से टूटी हुई है। तो ये इसकी रोचक कहानी है जिसकी स्थापना बैनेश्वर धाम की संत मावजी ने की थी 1727 के अंदर, डूंगरपुर के अंदर है ये, नवा टापरा जगह है, आसपुरा तहसील है, वहाँ के अंदर माघ पूर्णिमा को ये भरा जाता है और सोम माही जखम यानी मासोजा ये त्रिवेणी संगम है वहाँ पर होता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, वागड़ का कुंभ कहते हैं और वागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। ये इतना ही बोर्ड पे लिखा है, इतना मैंने आपको बोल दिया। महारावल आसकरण ने इसके क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड एक चीज़ और याद करवा देता हूँ कि जो पुष्कर मेला है वो कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। और जो मानगढ़ धाम है डूंगरपुर के अंदर, मानगढ़ धाम है डूंगरपुर के अंदर, तो जिसके गोविंद जी ने है वो इसकी स्थापना की थी, ठीक है ना, 1893 के अंदर। उसका भी मेला लगता है, उसका मेला कब लगता है, तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। अब इस एक छोटे से वीडियो से 3 क्वेश्चन तो पक्का ही हो गया और जो ये है ना मानगढ़ धाम वाला, ये क्वेश्चन तो अब 19 तारीख का जो हुआ था ना अभी हाल ही में हाईकोर्ट LDC का, उसमें उठाकर देख लेना कि कब मेला लगता है, माघ पूर्णिमा बैनेश्वर मेला और ये मानगढ़ धाम वाला, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख लेना। टेलीग्राम पे पेपर मिल जाएगा आपको अपने चैनल पे, ठीक है ना। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को कौन सा लगता है, तो मानगढ़ धाम। ये कब लगता है बैनेश्वर धाम, तो ये माघ पूर्णिमा को लगता है। और कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा लगता है, तो अजमेर के अंदर जो पुष्कर मेला है वो लगता है। अजमेर के अंदर वराह मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया है अर्णो राज के द्वारा। तो ये वीडियो है एक कहानी के द्रो, आपको मैंने इतने क्वेश्चन याद कर लिए। आप ये वीडियो 10-1 मिनट का हुआ होगा लगभग, तो आप इसको जरूर इंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास फटाफट भेजो और इस कहानी से आप भी याद रखो। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये वीडियो आप जब भी देख कर, जब भी पेपर में बैठोगे ना तो कल्चर वहाँ जुड़ी होगी तो एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, इंपॉर्टेंट है। कई बार हो सकता नहीं है लेकिन 99% तो आएगा। आई होप इस वीडियो का आपने इंजॉय किया होगा और इसी के साथ मैं अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ, लेकिन आप इस वीडियो का रिस्पॉन्स कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।